औद्योगिक क्षेत्र देवास में स्थित खाद बनाने वाली गोल्डन क्रॉप एंड बायोसाइंस कंपनी में नकली खाद बनाने की बोरियां भरकर ट्रक से जाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं फैक्ट्री में भारी मात्रा में खाद की बोरियां और बिना लेबल के केमिकल की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस ने मौके पर फैक्ट्री के मालिक के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गोल्डन क्रॉप एंड बायोसाइंस कंपनी जो खाद बनाती है वहां से एक ट्रक नकली खाद लेकर निकल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कंपनी गेट पर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री संजय गैजमोर की है। प्रशासन ने कंपनी को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैविक खाद बनाने का लाइसेंस नहीं है, वहीं उत्तम शक्ति के निर्माण का लाइसेंस है। फिलहाल संचालक लाइसेंस मौके पर नहीं बता पाया, लाइसेंस को लेकर भी जांच की जा रही है। देवास SDM जीवन सिंह राजक स्वयं मौके पर पहुंचे और उन्होंने फैक्ट्री का निरीक्षण किया एवं अधीनस्थ अमले को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। क्या कार्रवाई की गई, कहां की गई? रात में हमें सूचना मिली थी थाना प्रभारी IA से कि यहाँ पे नकली खाद का कुछ कारोबार चल रहा है, उन्हें ट्रक भी यहाँ पर। तो रात में हमने तहसीलदार साहब को और संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों को भेजा था। अभी फिर हम आज सुबह उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन पे आए तो हमें पता चला है कि ये जैविक खाद तथा कथित रूप बना रहा है, लेकिन हम जब उसका निरीक्षण करें प्राइमा फर्जी ऐसा लगता है कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा चल रहा है। साथ ही इसकी एक कीटनाशक की भी एक फैक्ट्री है, लेकिन बता रहा है कीटनाशक बना रहा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें नहीं मिली है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड कर रहा हूँ। ना ही उससे पूछा कि भाई क्या क्या इसका केमिकल कंपोजिशन है, किस तरह से बना रहे, तो वो बताने में भी ये वो सफल रहा है। तो प्राइमा फर्जी हमें ये लग रहा है कि ये सब कुछ फर्जी वाला टाइप का चल रहा है। संबंधित विभाग कृषि विभाग के अधिकारी DBA हैं और उनके अधिकारी जांच कर रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं। हमने सबसे पहले तो फैक्ट्री को हम सील कर रहे हैं। सील करने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनकी जो लाइसेंस उसके पास है नहीं बता रहा, अभी तो बता नहीं पाया कि उसके पास लाइसेंस है। उसकी जो फाइल है संबंधित विभाग उसका ला के उसकी जाँच करेंगे। सर, संबंधित विभाग से कई बार यहाँ के लिए दौरा किया गया, लेकिन परंतु कुछ भी ऐसा वही देखने के लिए हम इस व्यक्ति की जो भी रिकॉर्ड कृषि विभाग में रहता है वहाँ से वो रिकॉर्ड को बुलवाएंगे और उसकी जांच करेंगे कि इसकी जांच पिछली बार कब हुई, किसने की और उसके पास लाइसेंस है या नहीं है और उस फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख। मैं बोला है मैंने DBA को फाइल लाके उसकी जाँच करूँगा। इसके अलावा और भी ऐसे इस क्षेत्र में कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसकी सूचना है? देखिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, CSP साहब, हम लोग लगातार ऐसी विजिट कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कम किसानों के साथ किसी प्रकार खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हम इस तरह का काम जो है हमारे लगातार चलते रहेंगे, लगातार हम जांच करते रहेंगे। किसी प्रकार से किसानों को हम चीट नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति में, तो हमारा काम लगातार इस चीज़ को। सर, विगत 2 साल पहले भी ऐसा ही कृत्य किया गया था, आप क्या इन्हें ब्लैकलिस्टेड करेंगे? ये ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए था अगर उसने पहले किया था, तो इसका बता रहे हैं CSP साहब के इसकी पहले भी FIR हुई थी, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी। अभी हमने बोल दिया है, CSP साहब को भी बोल दिया है और DDA मैडम को भी बोल दिया है कि जो भी धाराएं, जो भी मैक्सिमम धाराएं इसके ऊपर लगना चाहिए वो सारी लगाए और इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करें। ठीक सर, जी सर बताएं किस प्रकार की कार्रवाई की गई और कहाँ की गई है? ये कल रात में थाना IA के मुखबिर की सूचना मिली कि नकली खाद, जो जैविक खाद है, नकली रूप से बनाए जाकर और पेस्टिसाइड नकली, जिसमें हैदराबाद और बेंगलोर की कंपनी के नाम के जो रेपर है उसके नाम से यह नकली फिलिंग करके उसको ब्रांडिंग करके और बेचा जा रहा है और ये ट्रक भर के लेके जाने की सूचना है। उस सूचना पे हमारी थाना प्रभारी श्री ब्रजेश की टीम ने उसको ट्रक को रोका और उसकी तस्दीक की, तफ्तीश की और मौके पर जो इनकी फैक्ट्री है गजमोरे की उसको आके यहाँ सील किया रात में। और सुबह जो एग्रीकल्चर के DD मैडम है, SDO, SDO हैं और SDM साहब, उन लोगों ने आके यहाँ इंस्पेक्शन किया और यहाँ पूरी यूनिट जो इनकी देखी गई है, उस यूनिट में कोई भी ऐसी केमिकल बनाने की लेबोरेटरीज या कोई जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लाइसेंस या वैध उसका परमिशन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई गई है, तो ये निश्चित रूप से किसानों के साथ टोटली फ्रॉड और नकली भूसा भर के और सफ़ेद मिट्टी में मिला के और इस तरीके से धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है। इस पर से धोखाधड़ी का प्रकरण हमारे द्वारा दर्ज किया जाकर विवेचना की जा रही है और बाकी चीज़ें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में आती वो। सर, विगत 2 वर्षों पहले भी इसी फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई थी, बाकी उसके बावजूद भी दूसरी बार ये ऐसा कृत्य किया है इन्होंने।
ये पहले भी इस पर केस दर्ज हुआ था तो ये ब्लैक लिस्ट तो होना चाहिए था जी। प्रशासन को इसका लाइसेंस सूचना जाती निरस्त होता जो भी हुआ था और प्रशासनिक कार्रवाई है तो संबंधित विभाग है उसको निगरानी रखना चाहिए थी। उन्होंने जो यहाँ पे प्रभारी हैं इस विभाग के उनके द्वारा कोई निगरानी नहीं रखी गई है। इस बारे में भी हम जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं विभाग उनसे पूछताछ करेंगे, बातचीत करके पता करेंगे कि आखिर कहाँ लैप्सिस हो रहा है। सर कंपनी मालिक के अलावा और भी कोई सहयोगी पार्टनर या कोई इनके साथी के बारे में? हाँ अब ये बात करते हैं कि कहाँ से लाता है, कहाँ कहाँ सामग्री लाता है, पार्टनरशिप कहीं इसकी है, क्योंकि एक अच्छे सभी को डॉक्यूमेंट इतने हासिल नहीं हुई, तलाशी का दौर शुरू हुआ है जी, तो उसमें जो भी चीज़ें सामने आएगी वो सब जी। सब बता रहे हैं कि इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया रात में, अभी 4 लोगों को रोका गया है, हिरासत में है, जिसे पूछताछ जारी है, उसके बाद इस प्रकरण में जो भी गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। ठीक, थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।